जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं LCM HCF की सीरीज लगातार लेके आ रहे हैं। पाँच क्लासेस हो चुकी है। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं ताकि इसमें आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाए कि हम जो लेके आए हैं वो एकदम सही है। आइए हम देखते हैं कुछ सवालों को जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। अभी जैसा कि अग्निवीर की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जारी है, तो आशा करता हूं कि वहाँ भी आपको थोड़ा इससे हेल्प मिलेगी। आइए हम देखते हैं कुछ नॉर्मल सवाल एंड फिर थोड़ा सा जो भी आपको थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। अभी हमने नॉर्मल आपको LCM HCF निकालना सिखा दिया है, अब जो थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं उन पर भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। नॉर्मल जो LCM वाले सवाल थे, जैसे कि 6, 12, 15, 18 LCM आपको लेना था या HCF लेना था, तो ये हमने इसकी वीडियो आपको पहले डाल दी है। आज हम ओनली थ्योरेटिकल वाले सवाल पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम्स में आने वाले सवालों की ओर। तो देखिए दोस्तों, सवाल कहां से बनते हैं आपको, यदि आपसे क्या क्वेश्चन देगा। देखो दोस्तों, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया 5 और 13 के बीच की सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। उसने क्या बोला, अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उसने क्वेश्चन में बोला है 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का LCM निकालने को आपको कहा गया है। ये एग्ज़ाम में आसानी से बन सकता है इस टाइप का सवाल। तो दोस्तों, सम संख्याएं होती क्या है, जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये कैसी सम संख्याएं, सम संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए वो कैसी संख्या रहती है, सम संख्याएं रहती है। तो आप देखो, आपसे बोला है 5 से 13 तक, तो 5 से 13 तक आप जब गिनती लिखोगे, वैसे तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर जिसको समझ में ना आए उसको लेके हम इस ये क्लासेस लेके आए हैं कि जिसको ना भी समझ में आता हो, जैसे कि अग्निवीर में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कमज़ोर विद्यार्थी रहता है, तो हम उसे आसानी से यहाँ से समझा सकते हैं। तो क्या 13 से 5 के बीच की सम संख्याएं कैसे निकालेंगे जिसमें 2 से भाग चला जाए। इनमें 2 से भाग किस किस में जाता है, 6 में जाता है दोस्तों, 8 में भी जाता है, 10 में भी जाता है, 12 में भी जाता है। तो आपके पास कितनी संख्या आ गई, 6, 8, 10, 12। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलेगा कि उसने दिया आपको घुमा फिरा के कि 5 से 13 तक आप ही संख्या निकालेंगे और आप ही उनका LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास संख्या आ गई 6, 8, 10 और 12। तो 6, 8 और 10 और 12 का दोस्तों LCM निकालना, तो आइए क्या निकालोगे हम देखते हैं, किस विधि से, फैक्टर वाली विधि से। दोस्तों 6 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 3 दुना या 2 के पहाड़े में, 2 3 6, ये 6 के फैक्टर हो गए। 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2, 2 2 × 4 और 4 × 8। और 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 5, 5 × 10 या 2 × 5 = 10। 12 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 12 का फैक्टर होगा 4 3 12, और 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, और 4 3 12। अब LCM अपने को लेना है, क्या लेना है दोस्तों, LCM। तो अब इसका LCM क्या होगा, तो हमें कॉमन लेना है कितनी बार, 1 बार। अब जो कॉमन, जैसे कि अब 3 है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 को उठा लिया हमने यहाँ से और 3 को ही उठा लिया यहाँ से, तो ये हो गया 3। अब हम किसको उठा लेते हैं दोस्तों, 2 को उठा लेते हैं। अब हमने 2 को उठा लिया और 2 को लिख लिया 1 बार। अब अगला काम क्या बचा, अपना टारगेट 2। अब 2 और किसी में तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो इस 2 को लिख लिया, फिर ये 5 बचा है तो इसको लिख लिया, ठीक है, इससे ईजी अपना हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 5 की दोस्तों 120। इसका क्या हो गया LCM, इस सवाल का आंसर कितना आ गया दोस्तों निकल के, 120। तो आपको इस टाइप के सवाल देखने को एग्जाम्स में मिल सकते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा। तो ये नहीं कि यार सम संख्या कौन सी होती है, आपको सवाल में ही वो आपको चेक करेगा कि भैया को कितना नॉलेज है, यहीं से आपको चेक करेगा। यदि आपको इनमें प्रॉब्लम आती है तो हम 1-2 दिन में इनके बारे में भी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। अब अगले सवाल के बारे में हम बात करते हैं, तो अगला सवाल दोस्तों आपका आता है क्या, जैसे कि अपन एक सवाल ले लेते हैं कि यदि आपके पास 2 सीधी छड़ें हैं, अपन इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। चलो आइए देखते हैं सवाल के बारे में, चलो लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, कोई सा सवाल दिया है, यदि आपके पास 2 सीधी
दो सीधी 7.5 कितनी 7.5 फुट और 3.25 फुट। यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप किस सबसे बड़े माप की छड़ से दोनों की लंबाइयां माप सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, यदि आपसे अब अपन लिख लेते थोड़ा सा और देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसने बोला है कि आप किस सबसे बड़े माप की छड़, ऐसा दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहता है कि सबसे बड़े माप की छड़। तो सबसे बड़ा माप क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सबसे बड़ा माप से मतलब हुआ यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ। जहाँ भी बड़े से बड़े की बात होगी दोस्तों वहाँ क्या निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और जहाँ कम से कम की बात होगी वहाँ पे आपको निकालना है एलसीएम। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ आपको अधिकतम माप या ज़्यादा से ज़्यादा की बात करेगा तो वहाँ पे आपको निकालना है एचसीएफ, और जहाँ कम से कम या छोटी की बात करेगा, वहाँ छोटी से छोटी संख्या या वहाँ कम से कम वैल्यू की बात करेगा तो वहाँ आपको निकालना रहता है क्या एलसीएम। आइए इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, आपको साधारण आपको ये वाली हिंट मिली होगी, आपको ये हिंट देखने को मिलेगी ये पेपर में। तो हमने निकाला है यहाँ पे कि 7.5 और 3.25 का दोस्तों क्या निकालना है एचसीएफ। जैसा कि हमने जो तीसरी या चौथी क्लास ली थी उसमें डेसिबल वाला फ्रैक्शन हमने करवाया है जो कि ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आता है। अब हमने कैसे करेंगे इसको, इसमें ले लिया आपने यहाँ पे नीचे बटे में ये पॉइंट हटा दिया कितने संख्याओं के बाद है, तो एक जीरो लगा दिया, और यहाँ पे पॉइंट हटाया कितनी के बाद में है, कितने अंक है यहाँ पे एक और दो, इसलिए हमने कितनी जीरो लगा दी, कितनी शून्य लगा दी दोस्तों, दो शून्य हमने यहाँ पे लगा दिए। अब एचसीएफ का फंडा क्या रहता है, हमने सिखाया था कि ऊपर वाले का आपको निकालना है एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले के एचसीएफ से तात्पर्य दोस्तों की जो 75 और 325 है इसका निकालोगे क्या एचसीएफ, और 10 और 100 का क्या निकालना है एलसीएम। पर ये निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको उस वाले वहाँ पे चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें भी ये बताया था कि जब भी डेसिबल वाला फ्रैक्शन आएगा तो आपको क्या करना है जीरो बराबर करना है। तो आप यहाँ जीरो बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे जीरो बराबर करने के लिए जैसे इसके बटे में 100 है तो यहाँ भी आपको 100 बनाना है, तो यहाँ पे भी एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे भी, तो ये कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, और इसका आपको टेंशन नहीं लेना है ये 100 हो जाएगा। तो नीचे 100 हो गया और ऊपर 750 और 325 हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ से निकालते हैं आपका सवाल का आंसर, यहाँ से 750 और अपना 325 का दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा, हम जब निकालेंगे तो देखो 750 के अपन फैक्टर निकालते हैं 750 के, तो 25 दिया होता है कितना 25 दिया होता है 75, और 10 के होते हैं 5 × 10, और 325 का यदि मैं करूं तो 25 के पहाड़े में 375 तो 5×6 30 और 5×25 65 और 13×5 कितने होते हैं दोस्तों 65, तो 65×5 की 125। यहाँ से अपने को निकालना है दोस्तों क्या एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ हम निकालेंगे तो आपके पास में कितना निकल के आएगा दोस्तों 25 और बटे में कितना 100, तो अपना आंसर कितना जाएगा 0.25 फुट, कितना आएगा दोस्तों आंसर 0.25 फुट। तो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अगले सवाल पे जो कि नॉर्मली देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जो कि घंटियाँ बेल वगैरह पे आधारित विशेष करके सवालों को दिया जाता है, इनको थोड़ा महत्व दिया जाता है, इसलिए इन सवालों को मैं लेके आया हूँ। जैसे कि आपको सवाल दिया है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होती है, कितनी घंटियाँ दोस्तों 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब शुरू होती है उसके बाद में क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंडों के अंतराल से बजती है, कितना 3, 6, 9, 12, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल से बचती है, ठीक है दोस्तों इतना आपको दिया गया है अंतराल से बचती है। तो बताएं कि तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, आपको क्वेश्चन क्या है
कि 36 मिनटों में, कितने मिनटों में, 36 मिनटों में वे कितने बार बजेंगी। अब ये वाला आपको क्वेश्चन आ गया। अब कैसे करेंगे, अब ये घंटियों पे आधारित सवाल है। तो अब देखो, पहले आपको नॉर्मली इनका एलसीएम निकालना है, 3, 6, 9, 12, 15। जैसे कि आप मालूम है, आपको मालूम ही है, 3 के 3 का पहाड़े में भी 6 का फैक्टर भी है, 3 के पहाड़े में 3 × 2 = 6, और ये 9 किसके पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 3 = 9। ये किसके पहाड़े में आता है, 3 × 12, तो 2 × 2 × 1 हो गया 15 × 3 = 15 हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमने 3 क्या ले लिया, क्या निकालना रहता है ऐसे सवालों में आपको दोस्तों, एलसीएम निकालना रहेगा। जब कभी भी एक साथ बजने वाली बारी, एक साथ बजने वाली बात आएगी, ठीक है, एक साथ बजने वाली बात आएगी, वहां पे आपको क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। ये बात आपको एकदम विशेष तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैंने एलसीएम निकाला, तो यहाँ कितना आया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 है तो कोई मतलब है नहीं 1 का, 2 का देखें तो 2 यहाँ पे है, 1 2 और 1 यहाँ पे, यहाँ डबल है तो उसको नहीं लेंगे, एक बार ही लेना है एक स्टेप में से। तो ये हो गया 2। अब अगला उठाता हूँ मैं 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो मैंने 3 उठा लिया, ये 3 का भी काम हो गया ख़त्म। यहाँ पे 2 और 5 है तो इसको भी आप लिख दो 2 और 5। अब ये हो गया आपका क्या, एलसीएम कितना हुआ, 3 × 6 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 36 और 36 = 180। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, 5 × 10 = 10, 10 × 30 = 30, 30 × 60 और 60 = 180 सेकंड के बाद वो बजती हैं, ठीक है, बजती है। तो अब भाई साहब ने बोला क्या है, 36 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। अब 36 मिनट मतलब कितने सेकंड दोस्तों, 36 मिनट मतलब 36 इंटू कर लो आप कितना, 100, और कितना, 180 सेकंड में वो कितनी बार। अब एक मिनट, एक बार बजने के लिए कितने सेकंड लेती है वो, 180 सेकंड लेती है। यहाँ लिख लो ऐसे कि एक बार बजने के लिए कितने सेकंड, एक बार के लिए 180 सेकंड, तो 36 बार बजने के लिए कितने लेगी, इससे अपन भाग देंगे, तो 36 मिनट में बजने के लिए कितनी बार, तो इससे 180 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये हो गया 3 बार, और यहाँ पे कितनी बार गया, 12 बार। तो कितनी बार में बज जाएंगी दोस्तों ये 36 मिनट में, 12 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी बार, पर उसने एक और लाइन दी है कि एक साथ बजना शुरू होती है, एक साथ बजना शुरू होती है से तात्पर्य ये कि एक बार वो यहाँ पे बज चुकी है। कितनी बार, एक बार वो यहाँ पे बज चुकी है। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आपका 12 बार बजेगी, तो ये नहीं कि यार यही 12 आंसर लगा दिया। उसने बोला कि वो 36 मिनटों में कितनी बार बजेगी, तो एक साथ तो वो बजना शुरू हुई थी वो, और 12 बार ये बजी वो, तो आपके पास में टोटल आंसर कितना जाएगा, 12 और 1 = 13 बार वो साथ में बजेगी 36 मिनट में। क्यों, क्योंकि जो पहला वाला मिनट है जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, ये पहले बार बजने के बाद में वो 3, 6, 9, 12, 15 के इसमें स्टार्ट हुए थे। यदि वो पहले वाले को छोड़ देता है तो आंसर आपका 12 राइट रहेगा, वरना आपका आंसर कौन सा राइट रहने वाला है, तेरह बार बजेंगे। अगला सवाल हम इसी पर रिलेटेड एक और ले लेते हैं कि 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, कितनी बजे दोस्तों, 11 बजे, ठीक है। तो 3 घंटियाँ कितनी है इस बार, 3 घंटियाँ कितनी बजे से, 11 बजे से शुरू होती है, 11 बजे से शुरू होती है, 11 बजे प्रातः बजती है। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल से बजती है। कितने मिनट, 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल से बजती है, ठीक है दोस्तों। थ्योरी आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा क्वेश्चन है, आप आराम से उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल से आपको वो बजना शुरू होती है। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। अब उसने पूछा है कि अब अगले टाइम में वो कितनी कब बजेंगी। अभी इसके पहले जो सवाल करा कि कितनी बार बजेगी, अब वो बोल रहा है कब बजेगी अगली बार। तो इसमें क्या करेंगे, वही एलसीएम तो आपको लेना है। इसमें भी देखो 0, 0, 0 है तो 10, 10, 10 तीनों में आएगा, इसका एक फैक्टर 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा और इसका 2 × 4। यहाँ से एलसीएम लूँगा तो एक तो 10 निकल के आएगा, एक आपका 2 निकल के आएगा, 1 3 और 1 2 और 1, ठीक है। 10 × 20, 20 + 60, 60 × 120, अपन ने क्या है ये मिनट में थे तो 120 मिनट यह आ गया।
120 मिनट बाद, मतलब कि कुल मिला के ये 11 बजे, 120 मिनट को यदि आप हवर में कन्वर्ट करते हैं या लिख के आप कर सकते हैं 2 घंटे, कितने घंटे दोस्तों, 2 घंटे, तो वो 11 बजे तो बजी थी, अब कितनी बजे बजेगी, तो 11 प्लस 2 मतलब कि 13, 13 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बजे, कितने बजे, दोपहर 1 बजे। यदि ये प्रातः सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी तो अब अगली बार वो कितने बजे बजेंगी दोस्तों, अपराह्न 1 बजे वो बजेंगी, ठीक है, एक साथ कब बजेगी, तो अपराह्न 1 बजे। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है, अगर इसके पहले वाला हम क्वेश्चन देखें तो उसमें एक बार बज चुकी थी, मतलब पहले हो चुका था, स्टार्ट ही वो वहाँ से हुई थी, इसलिए 12 में अपन वो 1 ऐड कर दे तो वो 13 बार बजती है। और ये वाले सवाल में नॉर्मल जो आपका एलसीएम आएगा वो मिनट में आ रहा है या हवर में आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, मिनट में आ रहा है तो हवर में कन्वर्ट करके आप उसे जो अपने 11 बजे है तो उसमें हवर करके ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 आवर आए थे अपने, 2 घंटे आए थे, तो अपन ने 2 में 11 में 2 ऐड कर दिए, तो आपका कितना आ गया, 1 बजे वो एक साथ बजेंगी। और दोस्तों और अच्छे अच्छे सवाल लेके हम आपके लिए मिलते रहेंगे। ये तो परीक्षा उपयोगी कुछ सवाल थे जो हम आपके लिए आए लेकर आए हैं। अब अगले वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे अच्छे थ्योरी आपके लिए लेके आएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिस बंदे को आवश्यकता हो, आपको अच्छा लगे तो आप इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।